आप अभी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो देखिए मैंने पहले आपको जो हाई नेक शेप तो मैंने बता ली थी, तो इससे मतलब मैंने मिलती जुलती पहले भी बताई है आपको एक बुनती, और ये वाली बुनती अब मैं बताने जा रही हूँ। ये एक रिफ्रेश वीडियो है और पीहू ठाकुर है वो चाह रही है कि मतलब हाई नेक शेप में जो है इस तरह का जाली वाला पैटर्न वो सीखना चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को। बहुत इजी पैटर्न है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें मतलब फ़र्क है तो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 शुरुआत में मिलती जुलती, सिर्फ सेंटर से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। इसके बाद मेरे 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस रखते हुए मैंने इस तरह से किया हुआ है 1 2 3 4 5। पूरी रो इसी तरह से करनी है 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5। इस तरह का आपको मैं मिनी सही ग्राफ बता रही हूँ। मैं हनी शेप में बहुत अच्छी बुंदी बन के आती है ये वाली। ठीक है अब मैंने क्या करना है, टू पिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है टू पिन से मैंने सेंटर में इस तरह से आ जाना है, इस तरह से, ठीक है इस तरह से, इस तरह से, टू पिन। पहले सिंगल पिन थी फिर मेरी टू पिन थी। इस तरह से देख, इस तरह से पूरी रो करनी है मैंने कंप्लीट। इस तरह से राइट एंड लेफ्ट से, इस तरह से, आप चाहे तो गर्ल्स के लिए टॉप भी बना सकते हो। जैसे आपने मतलब ब्रश के ऊपर से आपने जाली का स्कोप देना है, बाकी नीचे प्लेन करना है, तो इस तरह से भी बहुत अच्छी बन के आती है। अगेन मैंने सिंगल पिन यानी 3 का मेरा 1 हो गया है। पहले भी मैंने इसे मिलती जुलती बताई आपको बुनती है ना, तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, सेम नहीं है ये। बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ कि मैक्सिमम हमको लगेगी शायद कि ये एक जैसी है, पर फर्क है इसमें। बिकॉज ये जो बुनती है मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, इसलिए पहचान मुझे ही पता है इसकी। ठीक है अब देखिए अब क्या करना है मैंने, ठीक है अब मैंने इसका सेंटर देख लेना है। मैंने जो पहली बुनती बताई थी उसमें मैंने इस तरह का बताया था कि मैंने दोबारा से स्टार्ट करना है, नहीं अब मैंने क्या करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए ये अलग हो गई, ठीक है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, अगेन इस तरह से, यानी कि ये मेरे राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यही डिस्टेंस था मतलब, और यही मतलब से थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें कि मैं इस तरह बता सकूँ आपको, इस तरह से देखिए। ठीक है अब देखिए ये पत्ती की शेप आ रही है ना, ये पत्ती की शेप आ रही है। अब जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किया था सेम टू सेम अब वैसे ही करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 और 5 ठीक है। फिर सेंटर देख लीजिए, ठीक है इस तरह राइट लेफ्ट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5
ठीक है, अगेन इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, अगेन दोबारा से, ठीक है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इधर को रख लीजिए फंदा, चाहे इधर को रख लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलिए मैं इधर को रखती हूँ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये आ गया मेरा 5, ठीक है। अब आएगा ये पत्ती की शेप में, अब मैंने क्या करना है, 2 पिंस लेनी है, ठीक है, 2 पिंस से मैंने राइट, ठीक है, लेफ्ट, इस तरह से, देखिए इस तरह की बुनती ना अलग हो गई है, इस तरह से, इस तरह से ये पत्ते की शेप आ गई, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंगल पिन का इस्तेमाल करूँगी बाद में, इस तरह से, इस तरह से, और ये भी राइट एंड लेफ्ट की आती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, सिंगल पिन ले लेंगे, इस तरह, चारे मुंह वाला धागा है थोड़ा सा ये, मतलब इसके बाल जो है, मतलब इस तरह से ये पिन थोड़े से उलझ जाते हैं, बाकी बेबी धागे में बहुत अच्छी बन के आती है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगेन क्या करना है, मैंने अगेन फिर दोबारा से मैंने इस तरह से, पहले मेरी ये यहाँ से बनी, अब मेरी यहाँ से बनेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वैसे जैसे मैंने शुरुआत में किया था, इस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 5 रखना है, सेंटर देख लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेंटर, आप ऐसे देख सकते हो, देखो इसकी सीध देखनी है आपने, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, मतलब कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, बहुत इजी पैटर्न है, मतलब ये, ठीक है। अगेन मैंने 2 पिन का इस्तेमाल करना है। आई होप आज तो आपको ये बुनती समझ आ गई होगी, ठीक है।
इस तरह से। ये सिंपल नीटिंग मशीन वर्क में, मतलब जो भी लेडीज ये वर्क करती है उनके लिए बहुत इजी है। मैं कार्ड वाला डिजाइन तभी बताती हूँ जब मैं कार्ड का यूज़ करती हूँ, और फिलहाल ये सिंपल नीटिंग है। कई बार मतलब ये डाउट रहता है कि मैं कार्ड मशीन में बताती हूँ, पर देखिए मैं कार का तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से अब मैं आपको, चलो इसके बाद मैं दिखा लेती हूँ ना, पहले मैं एक और बार एक रो से मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, पेट में मेरा धागा थोड़ा सा उलझ रहा है। ये इस तरह से सिंगल पिन। चलिए आप भी बना लीजिए इस पैटर्न को, बहुत मतलब बहुत प्यारा पैटर्न है ये। पर मेरे यहाँ तो बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि मेरी स्वेटर भी बहुत पुरानी है ये, तो मुझे बहुत प्यारी है इसलिए मैंने संभाल के रखी हुई है। नहीं तो मैं 1 ईयर जो है डोनेट कर लेती हूँ स्वेटर अपनी, पर मैंने ये दी नहीं, मुझे बहुत प्यारी स्वेटर है। चलिए आज भी बिठा करके भी आप लोगों के काम भी आ गई है ये वाला पैटर्न। तो प्लीज़ आपने जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स देना है, आपको खा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। कितना यही से लग रहा है कितना बेस्ट बन के आया हुआ है। ठीक है, जब बैक से इतना बेस्ट लग रहा है तो फ्रंट से तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए देखिए इस तरह के पैटर्न को आप लाइक कीजिए। थैंक यू।